नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाती है, 2 साल की सजा सुनाई जाती है और सूरत कोर्ट में भी उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। देखा जाता है कि 13 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन 20 अप्रैल की तारीख दे दी जाती है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि सूरत चाहता है कि यहां पर राहुल गांधी को जल्द से जल्द कोई राहत ना मिले, यहां पर उनकी संसद सदस्यता वापस ना आए, 2 साल की सजा जो उन्हें सुनाई गई है उनसे बेइज्जत बरी ना हो, इसलिए राहुल गांधी पर तमाम तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल गांधी वायनाड जाते हैं और वहां पर बोलते हुए नजर आते हैं कि आने वाले चुनाव में वो देखे जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हुई नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए राहुल गांधी देखे जाएंगे, तो वहीं विपक्ष के साथ राहुल गांधी बैठक करते हैं। तो अब इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ये साबित करते हुए नजर आते हैं कि अगर यहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएम पद पर देखे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बदौलत है। अगर कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए काम नहीं किया होता और देश की आजादी के लिए जेल नहीं गए होते तो ऐसी पार्टियां यहां पर देश में मौजूद नहीं होती। काफी कुछ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है कि देश को लूटने का, बर्बाद करने का और एक तरीके से यहां पर आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ही जिम्मेदार है। 70 साल में हमारी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता की आजादी के लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए और देश के हित के लिए कार्य किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी पर ही निशाना साध रही है, राहुल गांधी को ही दोषी करार दे रही है। देश में तमाम ऐसी मुद्दे हैं उन पर बातचीत करती हुई नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और मोदी सरकार पर आलोचना करते हुए कहा है। क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। देश को बनाने वाले, देश को बचाने वाले, देश को आजादी दिलाने वाले ये कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, देश को आजादी जल्दी नहीं मिलती थी। महात्मा गांधी जी अपनी जान की परवाह न किए बिना उन्होंने आजादी दिलाई। जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 साल जेल में रहकर आजादी दिलाई। वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक बनाने में नेहरू जी का साथ दिया, सुभाष चंद्र ने किया। अरे बाकी के लोग जो कांग्रेस को गालियां देते हैं, जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, तुम क्या करे, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? तुम कांग्रेस को सिर्फ गालियां देना कर सके? मोदी भी वही बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? अगर 70 साल में हम कुछ नहीं करते, मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे, शाह होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। जो कुछ हमने किया, बचाया, डेवलप किया, ये सब कांग्रेस की देन है। आज सिंगरेनी बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री, पहले कम से कम 75,000 लोग काम करते थे, आज आहिस्ता आहिस्ता उस फैक्ट्री को खत्म करने के लिए एक तरफ मोदी और एक तरफ तेलंगाना सरकार एक हो गई है और कहते हैं हमारी गरीबों के साथ, हम गरीबों को चाहते हैं, गरीबों के लिए हम काम करते हैं। ये गरीबों के साथ ये ऐसा है, हमारे पास एक कहावत है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी किसी के साथ। तो ऐसा ये लोग कर रहे हैं, गरीब का नाम लेते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन अमीरों से शादी करके पूरा सत्यानाश कर रहे हैं। पूरा पब्लिक सेक्टर आज खत्म हुआ है, 75,000 लोग इस सिंगरेनी कोल फैक्ट्री में काम करते थे, माइंस में, आज सिर्फ 40,000 लोग वहां है, सिर्फ 40,000।
यानी आहिस्ता आहिस्ता 35,000 जॉब आज कम हो गए। किसके कम हो गए? वर्कर के, गरीब लोगों के, पिछड़े हुए लोगों के, दलितों के, उनके हो गए। लेकिन सरकार, यहाँ के सरकार को भी चिंता नहीं, मोदी को तो पहले से ही चिंता नहीं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं साफ तौर पर कि अगर कांग्रेस इस देश में मौजूद ना होती, अगर उनके कार्यों के तहत यहाँ पर जनता खुश ना होती, तो यहाँ पर 70 साल में अगर हमने कुछ ना किया होता तो ये बदलाव कांग्रेस को लेकर फिर से जनता नहीं देखती। एक बार फिर जनता चाहती है कि देश में कांग्रेस सरकार आए और यहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई दे। जिस तरीके से यहाँ पर देश को बर्बाद करने का मोदी सरकार ने एजेंडा बनाया है, तानाशाही लोकतंत्र को खतरे में डाला है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब देश में बदलाव होने वाला है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी कांग्रेस के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकी हुई है, वरना भारतीय जनता पार्टी इस कुर्सी पर हासिल तो नहीं हो पाती, लेकिन आने वाले चुनाव में फिर से सरकार बदलेगी और काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।